अरेना एनिमेशन सतना के तरफ से अपना पंचे सभी जनिन का नव वर्ष के हार्दिक बधाई और शुभकामना। तो रंजीत सिंह जी अपने माँ एक विविधता से भरे व्यक्ति हैं। 17 साल के अपना बतौबे भी कि डांसिंग ट्रैफिक पुलिस में है और लोगन का युवन का जागरूक करे खातिर अपना बतौर नौकरी के साथ साथ एक समाज सेवक कह रहे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन मानिए लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हाउ इट इज पॉसिबल, ही पॉसिबल ही नहीं। नेगेटिव लोगों को कुछ नेगेटिव रहने दीजिए, उनको सुधारने का प्रयास मत करें, क्योंकि बेशरम का पेड़ कभी फूल देता है ना तो पूजा में काम नहीं आता। कि हम बिकम ए डांसर, मेरे को बचपन में डांसर बनना था, एक फिल्म एक्टर बनना था। अपने स्किल को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है। हाँ, लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारा लोगों ने पागल बोला था, और आपका काम ना जवाब देता है। 12th पास कर लिया, MBA कर लिया, IIT कर लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एजुकेटेड हैं, इसका मतलब होता है आप क्वालिफाइड। साधारण से तो 3 सिग्नल हैं, अगर वो भी फॉलो कर लेने तो आप देशभक्त हैं। क्योंकि मैंने देशभक्त में और करप्ट ऑफिसर में एक डिफरेंट आप देख लेंगे चेहरे पे, उसको कभी किसी से आंख मिलाना शर्म नहीं आएगी। वही पिता ये बोल रहे हैं, ये मेरा बेटा है, आई एम प्राउड ऑफ। तो रंजीत सिंह जी अपने माँ एक विविधता से भरे व्यक्ति हैं। 17 साल के अपना बतौबे भी कि डांसिंग हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एक विशेष होत है, और वह विशेष रंजीत सिंह पहचानिन और वो के बाद अपने वर्क में ले आए, मतलब अपना ट्रैफिक पुलिस में है और लोगन का युवन का जागरूक करे खातिर अपना बतौर नौकरी के साथ साथ एक समाज सेवा कह रहे हैं। कैसे लगता है आपको जब डांस करते हैं, आपके मन में ये नहीं आता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है? क्योंकि ये मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, देखे, देखे। इसके लिए लोग बहुत जीते हैं, इस पर कैसे नियंत्रण करते हैं? लेकिन मानिए लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हाउ इट इज पॉसिबल, ही पॉसिबल ही नहीं कि लोगों के प्यार के बिना मैं, अगर आप काम करते हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो तो देखिए लोग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों को कुछ नेगेटिव रहने दीजिए, उनको सुधारने का प्रयास मत करें, क्योंकि बेशरम का पेड़ कभी फूल देता है ना तो पूजा में काम नहीं आता। तो ऐसे लोगों को थोड़ा दूर रख दीजिए अपने से, पॉजिटिव लोगों को लेके आइए। तो मेरी लाइफ में मैंने हमेशा पॉजिटिव लोगों को देखा है, और बहुत लोग इंदौर के लोगों ने बहुत केयर किया है, बहुत सपोर्ट किया है, प्यार किया है। पर एक ही मानिए आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि हम सब यंगस्टर ना सपने देखते हैं कि हम बिकम अ डांसर, बिकम अ क्रिकेट प्लेयर, बिकम अ बिजनेसमैन, हम ये सोचते हैं, राइट? तो जरूरी नहीं कि जो आप सपना देख रहे हो पूरा हो, है ना। अगर नहीं पूरा होता इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ दीजिए उसको, उसको होल्ड पे डालिए। लाइफ आपको वो सपना जीने का मौका देती। मेरे को बचपन में डांसर बनना था, एक फिल्म एक्टर बनना था, नहीं बन पाया, मजबूरी गरीबी थी, नहीं बन पाया। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं उस सपने को तोड़ दूँ। ज़िंदगी ने मौका दिया, चौराहे पे खड़ा किया, मुझे लगा क्यों ना अपने स्किल को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है। और यकीन मानिए फर्स्ट डे से लग गया था कि बेहतर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट डे से लोग रुकना शुरू हो गए थे। तो मैंने इस स्किल को वापस रिमूव किया, अपने आप को वापस मोटिवेट किया कि नहीं करेंगे, कुछ भी लोग कहेंगे उस वक्त। हाँ, लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारा लोगों ने पागल बोला था और कहा था 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा और ये वो। बट आज 17 साल आपका काम ना जवाब देता है। अगर आप कुछ किसी को जवाब देना है ना तो मुंह से मत दीजिए, अपने काम से दीजिए। और मैं हर यंगस्टर को बोलना चाहूँगा कि जवाब देना है ना तो अपने काम से दीजिए, सारे जमाने का जो है मुंह ना बंद हो जाएगा। निश्चित तौर पर कितनी बड़ी बात की अपना कहा लगे कि देखिए सबसे बड़ी बात युवन के हमें से बेबे युवा युवा शब्द यूज करी थे, कहे कि युवन के अंदर एक बड़ी उत्सुकता है, बहुत जल्दी पहल सीढ़ी में गोड़ रखे ना फिर टॉप वाली सीढ़ी में गोड़ रख दी। तो वह में संभव नहीं है, कौनों चीज़ पैरासूट वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि यदि अपना जैसा कहें कि बस पैसन रखी, मन में रखी, मौका ईश्वर दे, जे के ऊपर भरोसा करी थे वह तो अपना का एक मौका जरूर दे कि अपना वह हुनर का अपन दिखाए पाऊँ, वो ऊपर वाहवाही लूट पाऊँ, वो ताली ले पाऊँ। तो निश्चित तौर पर ताली के काम तो अपना करवे भे, ओके साथ साथ अपना का एक बेहद बड़ा मौका इंदौर के जनता दी हिस कि अपना के बातन का समझिस। जैसा कहें ना कि दो चार लोग यह कह लागे कि अरे यारी का या नाचा थे उठे चौराहा में, कौनों नाचे की जगह आए, मगर फिर ओके बाद इंदौर के जनता एक बेहतर सपोर्ट करी। अब यह बताइए सारी चीज़ हो गए, अपना के ख्वाहिश रही डांसर बनब, एक्टर बनब, ठीक है नहीं बन पाए, ट्रैफिक में मौका मिला डांस कर। अब रंजीत सिंह एक नया इंदौर के लिए नाम है, बड़ा नाम है, लोग फोटो लेना चाहते हैं, डांस देखना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, स्टार वाली फीलिंग आ रही है? बिल्कुल भी नहीं सर, मेरा एक सपना है और यकीन मानिए अभी मैंने कुछ भी किया नहीं है, 10-15% ही मैं बोलूँगा सुधार हुआ है। पर मैं चाहूँगा कि जिस दिन ये देश के युवा, एक भी युवा रोड पे ना मरेंगे,
उस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए मैं, मेरा एक सपना है, तब तक मैं काम करता रहूँगा कि मेरे को चैन नहीं पड़ेगी। अगर मैं रोज़ पेपर खोलता हूँ, देखता हूँ 10-15 MP का ही न्यूज़ आता है कि यहाँ 10 लोग मर गए, वहाँ 20 लोग, इतना हर्टिंग होता है सर। अभी यकीन मानिए आप लोग मर जाते हैं, यंगस्टर मर जाता है दुर्घटना में ना, मरा हुआ इंसान। अगर दो चीज़ें होती हैं सर, एक देश के लिए मरना और एक रोड पे मरना। देश के लिए मरेंगे ना तो वही बाप कंधा सीना चौड़ा करके उठाएगा आपका, और अगर आप रोड पे मरेंगे ना तो वो बाप उठाएगा नहीं, वो मर जाएगा और एक परिवार टूट जाएगा। तो आप युवा को सोचना है कि कैसे मरना है। अगर मरना है तो देश के लिए मरिए, अपनी बॉडी को घर भेजना है तो सफ़ेद कपड़ों में नहीं, तिरंगे में लपेट के भेजिए। तो यकीन मानिए समाज भी आपको इज्जत देगा और सोसाइटी में एक नाम भी होगा और बाप को गर्व भी होगा। तो ये जो युवा भटक रहे हैं और रोड पे अपनी होशियारी दिखाते हैं, यकीन मानिए वो अपने माता पिता को एक बहुत बड़ा दुख देने जाने वाले हैं, जो कि इसका पछतावा उनको नहीं होगा क्योंकि वो तो मर चुके होंगे, पर एक पूरा परिवार टूट जाता है। और मेरा इससे अपना है कि मैं लोगों को, यंगस्टर को मजबूर करूं कि नहीं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफली घर जाइए, क्योंकि हम सबके घर में हम हीरो हैं। हर एक बच्चा अपने माँ बाप का हीरो होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन उनके हीरो होते हैं, हर बच्चा अपने माँ बाप का हीरो होता है। तो हीरो काम होता है लोगों को चेहरे पे स्माइल लाना, उसके वजह से कोई हर्ट ना हो, कोई दुखी ना हो। तो हर बच्चे को ये चाहिए कि अपने फैमिली, अपनी जवाबदारियों को समझे और रोड पर अपना शिक्षा का व्यवहार जो है, अपना शिक्षा को रोड पर दिखाए, है ना। शिक्षित तभी कहलाएंगे। देखिए क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में फ़र्क होता है। 12th पास कर लिया, MBA कर लिया, IIT कर लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एजुकेटेड हैं, इसका मतलब होता है आप क्वालिफाइड हैं। आप एजुकेटेड तब होंगे जब आप साधारण से नियम जो है रोड के वो फॉलो कराएंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करेंगे, देन आप कह सकते हो कि हम आप एजुकेटेड हैं। वरना मैं नहीं मानता किसी व्यक्ति को जो कि आड़ा तेड़ चढ़ रहा है, किसी की जान लेने को घूम रहा है और मैं उसको बोलूँ कि नहीं एजुकेटेड है। एजुकेटेड वो नहीं हो सकता, वो देखिए पढ़ा लिखा गंवार हो सकता है मेरी नज़रों में। तो मैं सभी युवाओं को ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ रफ रूल्स फॉलो करें। और मेरा ये ड्रीम है, अभी सब कुछ हुआ नहीं है, अभी सब कुछ स्टार्ट हुआ है। हाँ, नाम फेम जवाबदारियाँ बढ़ा देती हैं, तो मेरे ऊपर जवाबदारियाँ बढ़ गई। अब मैं डिफरेंट सिटी में जाता हूँ, डिफरेंट जगहों पर मुझे बुलाया जाता है, लद्दाख से लेकर केरला तक हर स्टेट में जाकर मैंने काम किया है। तो मेरा मोटिव ये है कि जो 1.5 लाख का आंकड़ा हर साल आ रहा है, 4.5 लाख लोग जो घायल हो रहे हैं, उस आंकड़े को कम किया जाए, उस युवा को बचाया जाए जो कि देश का भविष्य है और देश के कई गुना काम आ सकता है। निश्चित तौर पर रणजीत सिंह जी, अपने बारे में कुछ बताएं, जो दर्शक शायद क्या है, आपके डांस को तो जानते हैं, आपके वेशभूषा ट्रैफिक वाली है तो वो भी जानते हैं, आपके अंदर वो सारी बातें हैं जो एक वास्तव में सच्चे देशभक्त, जरूरी नहीं, मैं मानता हूं कि देशभक्ति जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे ही जाके हम करें तभी देशभक्त कहे जाएंगे। सड़कों की नियमावली का यदि हमने पालन किया, साधारण से तो 3 सिग्नल हैं, अगर वो भी फॉलो कर लेने तो आप देशभक्त हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे सहज देशभक्ति के उदाहरण को नहीं दे सके अपना का। रणजीत सिंह, अपने बारे में कुछ आप बताएं और कहां से हैं आप और कब आप इंदौर आए और कब, थोड़ा सा अपने बारे में निजी। देखिए मैं पैदा इसी इंदौरी हूँ और मैं पैदा इंदौर में हुआ हूँ। एजुकेशन मेरा डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हूँ क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे, तो उनका जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था मैं वहाँ वहाँ जाता था और वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है। पर मैं बेसिकली इंदौर से हूँ और इंदौर में ही भर्ती हुआ पुलिस में, बेस्ट कैडेट था इस वजह से इंदौर पोस्टिंग मिला हुआ है। सो यकीन मैंने शुरू से दिमाग पापा को देख देख के बढ़ा हुआ हूँ, उनकी पुलिस की वर्दी देख देख के बढ़ा हुआ हूँ और देशभक्ति उन्हीं से मैंने सीखी है। और जब वो वर्दी पहनते थे तो उनके चेहरे पे एक अलग रौनक होती है, लेकिन मैंने देशभक्त में और करप्ट ऑफिसर में एक डिफरेंट आप देख लेंगे चेहरे पे, उसको कभी किसी से आँख मिलाना शर्म नहीं आएगी। तो मेरे फादर को हमेशा एकदम आँखें चौड़ी करके देखते थे, सबको सिरा चौड़ा करके देखते थे, मैं समझ जाता था कि ये आदमी ईमानदार आदमी। तो उनको देख देख के मैंने ग्रो अप किया है, वो मेरे हीरो हैं, मैंने उनको फॉलो किया है और हमारे अंदर खून में, मेरे कहूँगे खून में देशभक्ति है। देश के लिए कुछ करना था, दिमाग में मेरा था। तो जिस दिन मैं चौराहे पे, वो चिट्ठियाँ हो जाती हैं जब लाइफ में आप सपने टूट जाते हैं, जब आप सपने किसी वजह से आप पूरे नहीं कर पाते हैं, तो मेरे भी बहुत सारे सपने थे जो कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बैठ पा रहे थे। मैन हमारे घर का पर्पस था कि जॉब मिलना चाहिए, और मेरा दिमाग शुरू से, मैंने कभी ट्राई नहीं किया किसी पर्सनल जॉब के लिए, मैंने हमेशा आर्मी पुलिस एयरफोर्स के लिए हमेशा ट्राई किया। और लकली मेरा सिलेक्शन पुलिस में हुआ, उसके बाद मैं ड्यूटेड था कि कुछ ऐसा किक मिले कि काम करूं और देश में अपना नाम करूं और माँ बाप को बहुत प्राउड फील कराऊं। क्योंकि प्राउड फील कराऊं इसलिए मैं दिमाग में था क्योंकि मैं बचपन पढ़ने में बड़ा अच्छा नहीं था, तो पापा मम्मी को हमेशा शर्मिंदगी मैंने महसूस कराई है फेल होकर, 12th में 10th में फेल होकर, तो वो बड़े नर्वस हो जाते थे और बड़े सर झुका के चलते थे मेरी वजह समाज में। तो मुझे वो गिल्ट था कि यार इनको कुछ मौका दूँ कि जब ये प्राउडली कह के वो रंजीत वो सिंघम मेरा बेटा है। और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया सर, यकीन मानिए पुलिस में भर्ती होने के 5-6 साल बाद जब मुझे सिटी का आइकॉन अवार्ड मिल रहा था, मध्य प्रदेश प्राइड अवार्ड मिल रहा था, इंडिया प्राइड अवार्ड मिल रहा था, बहुत सारे अवार्ड मिल रहे थे, तो उसी पिता को मैंने चमकते हुए चेहरे में देखा।
उसी माँ को बोलते हुए देखा कि ये मेरा बेटा है। तो यकीन मानिए ये इससे बड़ा ना चीज़ नहीं हो सकता। इस दुनिया में दो भगवान होते हैं, एक माँ बाप और एक गुरु। अगर ये दोनों खुश हैं ना आपसे, तो आपने जो सवाल पूछा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप की नज़रों में हीरो हैं, आप अपने गुरु के नज़रों में हीरो हैं, तो दुनिया की नज़रों में हीरो हो ना हो, आप अपने आप में हीरो हैं। यकीन मानिए जो अपने माँ बाप के लिए प्रति संवेदनशील है, जो अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सकता है ना, वो नेशनल हीरो है और वो देशभक्त है। हर युवा को बोलना चाहूँगा, दुनिया को दिखाने के मत जाइए, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए। आज मेरे बाप छोड़ा चलते हैं, वो कहते हैं वो सिंगम वो मेरा बेटा है। यकीन मानिए उस सुनकर ना प्राउड फील होता है कि यार मेरे पिता जो कि कहते थे यार बदतमीज़ है और पढ़ने में डफर है गधा है, वही पिता ये बोल रहे हैं ये मेरा बेटा है ना, हम प्राउड हम। तो वो माँ बोलती थी कभी, मेरी माँ के एक वर्ड से निकला था एक जब मैं 10th फेल हुआ था, कि तेरे जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे। उन्होंने बहुत मार खाई थी। आज वो माँ बोलती है तेरे जैसा बेटा भगवान हर एक को दे। तो ये कीक है सर, अगर ये आपने हासिल कर लिया ना, आपको दुनिया की सारी दौलत हासिल होगी। और मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये कर पाया, इसी जन्म में कर पाया और माँ बाप को प्राउड फील करा पाया। चलिए निश्चित तौर पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात जो वास्तव में एक सहृदय व्यक्ति से अपना सुन रहे हैं। रणजीत सिंह जी आ जाओ है अपने घर के जिनका डफर कहा जा रहा, लेकिन आज वो एक लोगन की थी प्रेरणा है, यह एक बेहतर बात थी। रंजीत जी बस एक आखिरी सवाल यह है कि ये जो आपने नेम फेम हासिल किया अपने द्वारा, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये आपने खुद से कमाया, अधिकारी अफसरों में कितना फ़र्क पड़ा ये सारी चीज़ों का? यकीन मानिए सर वो बहुत प्राउड फील करते हैं और मेरे अधिकारियों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा साथ दिया है, क्योंकि उन्होंने चेंजेस देखे हैं। हमने 2004 का इंदौर भी देखा है और 2022 का इंदौर भी हम देख रहे हैं, तो हमें पता है कि पुलिस की इमेज में, ट्रैफिक पुलिस की इमेज में, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पुलिस में ज्वाइन हुआ था, मेरा ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस में हुआ था, तब युवा आना नहीं चाहता था पुलिस ट्रैफिक पुलिस में, ये वर्दी पहन के वो लगता था कि वो पुलिस में नौकरी नहीं कर रहा है, लोग भागते थे। स्पेशली मेरे दोस्त हैं रीवा के या ग्वालियर के, वो कहते थे रंजीत ट्रैफिक में नहीं जाना है, और आज हर युवा कहता है ट्रैफिक में जाना है, रंजीत बनना है। ये चेंजेस जो है ना सर मेहनत से आते हैं, और यकीन मानिए जब आप इस वर्दी के लिए काम करते हो और इस वर्दी को इज्जत मिलती है, तो यकीन मानिए और लोगों को मोटिवेटनेस मिलता है कि नहीं हमें भी इस वर्दी के लिए काम करना है। तो हमने बहुत चेंजेस देखे हैं, अधिकारियों ने यकीन मानिए हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा है चेंजेस होते हुए, पुलिस की इमेज चेंज करते हुए देखा है। बड़े बड़े शोज में बुलाया जाता है, अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े से छोड़े बाबा रामदेव मिथुन चक्रवर्ती हो, हर कोई यहाँ पर आता है मिलता है, प्राउड फील होता है। एक कांस्टेबल रैंक का अफसर, एक IPS हो, आप अफसर हो, कलेक्टर हो, तो समझ में आता है कि हाँ लोग आपसे मिलने आएंगे, पर एक कांस्टेबल लेवल पे छोटा पद जो कि बहुत छोटा पद है, अगर उससे लोग मिलने आ रहे हैं, लेकिन मानिए काम की पूजा है, रंजीत की कोई औकात नहीं है, मेरे काम की पूजा है। आप और हम सब जान रहे हैं रंजीत सिंह को, द डांसिंग कॉप को, एक वर्दी वाले पुलिस वाले को, इस वर्दी को हटा दीजिए, मेरी कोई औकात नहीं है। तो इस वर्दी के लिए अगर मैं कुछ कर पाया हूँ, यकीन मानिए मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। अब एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छी अच्छी बातें की, युवा है, मगर पुलिस को लेकर एक लोगों के दिमाग में सवाल उठता है, सवाल रहता भी है, आप भी जानते होंगे क्योंकि आप भी उन्हीं आम आदमियों के बीच से हैं, उसी समाज से आते हैं, कि पुलिस बहुत पैसा लेती है, पुलिस बेवजह दबाव बनाती है, मारती है, पीटती है, मतलब ये निगेटिव 7 वाला डिपार्टमेंट है, तो कैसा महसूस होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको, सिर्फ भ्रष्टाचारी से लोग दुखी नहीं है, यकीन मानिए भ्रष्टाचारी से लोग दुखी नहीं है, ईमानदारी से भी लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है लोग भ्रष्टाचारी के खिलाफ ही बोलते हैं? लोग मेरे खिलाफ भी बोलते हैं। वो युवा जो रेड सिग्नल तोड़ना चाहता है, अगर उसके सामने मैं खड़ा हूँ तो उसके लिए मैं बुरा हूँ, मैं बहुत ही बदतमीज़ हूँ, मैं बहुत ही गलत हूँ। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचारी को लोग हाय कर रहे हैं, मेरे खिलाफ़ भी लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत उल्टा सीधा बोल देता है। तो भाई अगर आप नागिन सर के चलोगे तो सपेरा तो मुझे बनना पड़ेगा, है ना? तो अगर सपेरे को आप बुरा बोलोगे तो गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप सीधे चलोगे, सीधे से चलोगे, लेकिन मानिए पुलिस जबरन किसी को पसंद नहीं करती। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होता है जहाँ कि आपको लगता है कि नहीं आप क्राइम के क्राइटेरिया में आ रहे हो। चौराहे पे भी मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो चाहते हैं कि नहीं सिग्नल उंगल हम तोड़ेंगे, सिम तवारी बैठेंगे, हमारे बाप की रोड है, ऐसे लोग मुझसे भी रोड टकराते हैं, और ऐसे लोग मुझे ही बुरा बोलते हैं जबकि मैं उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं किसके लिए नाच रहा हूँ? मैं आपके लिए नाच रहा हूँ। मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं भी कट्टा पकड़ के मैं भी चालान मार सकता था, साइड में खड़ा हो सकता था, मगर मैं काम कर रहा था कि युवा इंस्पायर हो। तो यकीन मानिए लोग भ्रष्टाचारियों से परेशान नहीं है, लोग ये चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। भ्रष्टाचार है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सभी भ्रष्टाचारी हैं। लोग अब ईमानदारी से ही परेशान हैं, यकीन मानिए लोगों को अगर सिग्नल उनको ग्रीन मिल जाए ना बहुत अच्छा मानते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, और वहीं पुलिस वाला खड़ा 3 सवारी है आपको रोक दिया, उन 3 सवारी के लिए हम बहुत बुरे इंसान हैं।
तो आईने के सिक्के दोनों पहलू हैं, उस दोनों पहलू को समझना पड़ेगा कि एक अच्छा काम कर रहा है ना, तब भी लोगों की नज़रों में बुरा बन रहा है। ऐसा नहीं कि देश उसको अच्छा ही अच्छा बोलता है। मुझे कई लोग बुरा बोलते हैं कि यार ये तीन सवारी को उतार देता है, कोई अकड़ में आता है तो मैं उसको अकड़ उतार देता हूँ, तो उनको बुरा लगता है। तो यकीन मानिए, जब ऐसे सीन आते हैं, जब क्राइम के सीन आते हैं या करप्शन के सीन आते हैं, दिल को ठेस ही पहुँचती है कि यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। और जब अगर जब दूसरा पहलू देखते हैं कि अच्छा काम करने के बाद भी ये सुनने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये दोनों पहलू हैं जिसको हमको लेके चलना पड़ेगा और इमेज सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक पुलिस कांस्टेबल के 28 कंट्री में फॉलोअर्स हैं, मुझे 28 कंट्री के लोग बात करते हैं एक कांस्टेबल से। मुझे लगता है कि यस, ये अच्छा साइन है। अगर आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं जलने वाले आपसे 10% हमेशा हर जगह रहेंगे और बिना वजह जलेंगे आपसे, है ना। उनकी तरफ मत जाइए, 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको प्यार दीजिए। घर से निकलिए, दो काम करिए जो अच्छे हैं उन्हें हंसाइए, और जो आपसे जलते हैं उन्हें थोड़ा और जलाइए, काम ख़त्म आपका। और घर सुकून से घर जाइए, माँ बाप की सेवा करिए और ईमानदारी से देश की सेवा करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पे जाना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं वर्दी पहनना ज़रूरी है, सिर्फ सिग्नल फॉलो कर लो यार, गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दो यार, हाँ तीन सवारी मत बैठाओ, स्पीड में गाड़ी मत चलाओ। आपसे बड़ा देशभक्त हम मैं भी नहीं हो सकता। तो ये अगर ऐसा कर लेंगे तो युवाओं को मैं चरण स्पर्श कर लूँगा कि भाई मेरे युवा, अगर आपने ये सब न्यूज़ फॉलो करा ना, तो आप मुझसे बड़े महान और बड़े देशभक्त हो। चलिए, बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन बात है रणजीत सिंह जी से। जे महज एक कांस्टेबल होत के साथ साथ आज 28 देश के लोग अपना से बात कर रहे थे, अपना का जाना थे, अपना का फॉलो कर रहे थे। वजह यही कि अपना के नेक काम, अपना ये वर्दी के सही उपयोग करीन लोगन की जान बचावे खातिर, एक सही संदेश दिन लोगन की जान बचावे खातिर। एक जान कितनी कीमती होती, और सड़क हादसा में यदि केहू के जान जाती तो एक घर नहीं कई एक घर तबाह होते। कहे कि वह व्यक्ति जेकर मौत भय, उसे पता नहीं कितने लोग आश्रित होते, जुड़े होते। तो हमहू दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करी थे अपना पंचन से, रफ्तार गाड़ी के उतनी रखी जेकर नियंत्रित कह सके। अनियंत्रित रफ्तार हमेशा जानलेवा होती। यदि तू दुई पहिया चलाई थे तो मुड़े महल में हेलमेट लगाई। और सबसे बड़ी बात कि सड़क के यातायात के नियमन के अवश्य पालन करी। कहे कि रणजीत सिंह जी लोग जब अपन जीव गए हैं, सलगे घामे में बीच में डांस कर सकते हैं, तो कहा अपना नियमन के पालन नहीं कर सकी। तब तक अब फिर हुई कोनो नए शख्सियत से मुलाकात, तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।